हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है श्रद्धा। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बैली फैट को, एब्डोमिनल फैट को, पेट की चर्बी को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे मैं 7 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है। आप ये करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करिए और रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। बेली फैट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ट की डिसीज़ को इनवाइट करता है, साथ में डायबिटीज़ हो सकती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि कई लोग जो होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थिन होता है, मतलब कि दिखने में दुबले होते हैं, बट फिर भी उनके पेट पे चर्बी होने की वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और ये प्रॉब्लम्स जो होती है वो पेट की चर्बी की वजह से ही होती है उनको, या तो कि फ्यूचर में कभी डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने पेट की चर्बी को कम करना। तो ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आप इनको करिए और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जो बैली फैट है, आपके पेट पे जो चर्बी है, आप इसको इजीली रिड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपने डाइट में सॉल्युबल फाइबर्स का ज़्यादा यूज करना चाहिए। क्यों बोला जाता है कि फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। फाइबर रिच फूड खाने से फाइबर्स जो होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेल में कन्वर्ट होने के बाद ये एक अंदर लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड पास होता है उसको स्पेस कम मिलती है और जिसके कारण हमारे पेट को ऐसा फील होता है कि हमारा पेट भर चुका है, हैवी हैवी सा फील होता है। हम कम खाना खाते हैं, हमारी डाइट कम हो जाती है और जिसके कारण कैलोरीज कम जाती है और जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे एब्डोमिनल फैट को, जिसके कारण आपका जो बैली फैट होता है वो रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको फाइबर्स ज़्यादा लेने चाहिए, अपनी डाइट में आपको फाइबर्स ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको शुगर को बिल्कुल ही बंद कर देना है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जो पेट में चर्बी है वो जल्दी रिड्यूस हो जाए तो आप शुगर लेना बंद कर दीजिए। शुगर लेने से क्या, शुगर में फ्रुक्टोज पाया जाता है जो कि बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस को इनवाइट करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को, आपकी डायबिटीज को, आपके ओबेसिटी को, आपके फैटी लीवर को, ये डायरेक्टली देखा गया है कि ये रिलेट करता है एब्डोमिनल फैट को। अगर आप शुगर ज्यादा ले रहे हैं तो ये आपकी पेट की चर्बी को डायरेक्टली बढ़ाता है। ऐसे रिसर्च की गई है जिसमें ये देखा गया है जो लोग ज्यादा शुगर लेते थे उनका एब्डोमिनल फैट ज्यादा होता था। खास तौर से ये रिफाइंड शुगर जो होती है मार्केट में जो हमको मिलती है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए आप शुगर को हटाकर आप उसके दूसरी चीज ले सकते हैं, नेचुरल शुगर कंटेंट्स को ले सकते हैं, जैसे कि जैगरी ले सकते हैं, आप गुड़ का यूज करिए, आप खजूर ले लीजिए, ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिसमें कि शुगर आपको मिल सके, तो आप ऐसी चीजें लीजिए। बट आप जो रिफाइंड शुगर होती है उसको बिल्कुल ही कट डाउन कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है कि ट्रांस फैट को आप बिल्कुल जीरो कर दीजिए। मतलब कि ट्रांस फैट कैसा देखा जाता है, हम जो बाहर के पैक्ड फूड्स खाते हैं जो कि पैक्ड आती हैं, आपने देखा होगा कि उसमें लेबल में मेंशन होता है कि ट्रांस फैट कितना है, तो आप ऐसी चीजें खाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए जिसमें कि ट्रांस फैट हो। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये आपके एब्डोमिनल फैट को डायरेक्टली रिलेट करता है और आपके एब्डोमिनल फैट को बढ़ाता है। आप बल्कि मैं तो आपसे ये बोलूंगी कि जब आप चाह रहे हैं कि आपके पेट की चर्बी कम हो जाए तो आपको बाहर के पैक्ड फूड को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और या तो कि फिर भी आप ले रहे हैं तो आप ऐसी चीजें लीजिए जिसमें कि आप लेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें देख लीजिए कि उसमें ट्रांस फैट कितना है। फोर्थ आता है, आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है। डाइट, आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। प्रोटीन इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर वेट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, यह आपको फुल सा फील कराएगा, आपको हैवी सा फील कराएगा। प्रोटीन की वजह से आपका बैली फैट कम होता है, ये भी रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं उनका एब्डोमिनल फैट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है
इसकी वजह से आप कैलोरीज कम लेते हो, आप थोड़े प्रोटीन में ही आपका पेट भरने लगेगा, साथ में ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। और मेटाबॉलिक रेट जैसे कि हम जानते हैं कि जो बढ़ता है तो उसकी वजह से वेट लॉस जल्दी होता है। तो वेट लॉस कहाँ का ज़्यादा जल्दी होगा? एब्डोमिनल का होगा, आपके बैली फैट का होगा। प्रोटीन की वजह से ही आपके एपेटाइट कम हो जाती है, जिसके कारण कैलोरीज कम जाती है। तो ये कुछ रीजंस है प्रोटीन लेने का। अगर आपने देखा हो, कोई अगर जिम जाता हो या कोई वर्कआउट करता हो, आपके पास कोई, आप किसी ट्रेनर को जानते हो, आप उससे भी बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन का बढ़ा दीजिए अपने डाइट में, प्रोटीन को बढ़ा दीजिए अपने डाइट में। तो ये इसी वजह से बोला जाता है। तो प्रोटीन रिच फूड आपको लेना है। फिफ्थ आता है कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, मतलब कि कार्ब्स कम लेना है। कार्ब्स जो होता है, जो लोग कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से बैली फैट ज़्यादा होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स कम लेंगे तो उससे आपको, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही कम ले रहे हैं तो आप सोचेंगे कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, या आपके बॉडी में जो फैट जमा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा और वो फैट कन्वर्ट होगा एनर्जी में। इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है, जिसकी वजह से आपका फैट ब्रेक डाउन होके वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे होती है। तो उस हिसाब से अगर आप प्रॉपर तरीके से कार्ब्स पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बता सकता है कि पर डे आपको कितने कार्ब्स लेना चाहिए। सिक्स आता है कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अगर ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज भी ऐसी कि सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको पेट की एक्सरसाइज करनी है क्योंकि आपको बेली फैट कम करना है, जी नहीं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, फुल वर्कआउट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, बट थोड़ी सी एक्सरसाइज करना जरूरी है। इससे आपकी जो लोग पूरा बॉडी का अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, इसके साथ साथ बॉडी का वेट लॉस भी होगा, तो वेट लॉस के साथ साथ आपका बैली फैट भी कम होना चालू हो जाएगा। इसके साथ आपको थोड़ा वर्कआउट करना जरूरी है। सेवंथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ट्राई करिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। नाम से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सी कोई फास्टिंग मैं बताने वाली हूँ या ऐसा कोई फास्ट करने के लिए बोलने वाली हूँ कि आप बस दिन भर कुछ मत खाइए पिए। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 8 घंटे खाना होता है और 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है। ओ बाबा, 16 घंटे फास्टिंग? नहीं, बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। 16 घंटे की फास्टिंग बहुत ईजी होती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप रात में 8 बजे खाना खा रहे हैं, मतलब आपका डिनर टाइम जो है वो 8 बजे का है, तो आप 8 बजे के बाद से नेक्स्ट डे 8 बजे तक आपके 12 घंटे हो जाते हैं और उसके बाद 4 घंटे और कैलकुलेट कर लीजिए तो आप समझेंगे कि 12 बजे नेक्स्ट डे के दोपहर के 12 बजे ही आपको कुछ लेना है। तो ये 16 घंटे का जो गैप हो जाता है, इसकी वजह, इसको बोला जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपसे पहले आप ट्राई कर सकते हैं, आपसे अगर नहीं हो रहा है, 16 घंटे नहीं हो रहा, तो आप 12 घंटे करके देखिए, अल्टरनेट डेज करिए, फिर इसको कंटिन्यू कर दीजिए, रेगुलर एवरी डे करिए आप इसको। आप देखेंगे कि इससे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और ये आपको बहुत सारी परेशानियों से भी दूर रखता है। आप 8 घंटे लीजिए खाना, सुबह से आपका जो रूटीन है आप वो फॉलो करिए, रात में आप जल्दी खा लीजिए। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग से थोड़ा सेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर जल्दी खाना खाता है, 7 बजे अगर डिनर कर लेता है तो वो उस हिसाब से अपने आवर्स को काउंट कर सकता है। तो इसको बोला जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप ट्राई करिए धीरे धीरे करके, ये आपसे हो जाएगा। पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इस चीज़ को, कि बैली फैट को रिड्यूस करने में। ये थे कुछ आज के 7 पॉइंट्स जो मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप इस पे लॉजिकली सोचेंगे, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे साथ में बेली फैट के साथ साथ अगर कोई अपने पूरे वेट लॉस को भी करना चाहता है और इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखता है,
तो उसको इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। बेल आइकन बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम से मिल सके। तो ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियोस के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।